हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी इंडिया के लार्जेस्ट यानी सबसे इंडिया के लार्जेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी इंडिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लेसेस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इंडिया के, कौन से किसमें लार्जेस्ट, कौन सा हाईएस्ट है। यानी हम बात करेंगे हाईएस्ट सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे स्मार्ट, सबसे छोटा। तो सभी पार्ट को हम देखेंगे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो फेमस हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीडियो, आज की वीडियो। अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी या फिर आरआरबी रेलवे की तैयारी या रेलवे आरआरबी एनटीपीसी हो दोस्तों, या फिर यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, चाहे जो वैकेंसी आ चुकी है, यूपीएएसआई हो दोस्तों, या फिर उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस की में, या फिर यूपीपीसीएस में हो, या फिर यूपीएससी दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीके का पोर्शन है दोस्तों। जीके का पोर्शन तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली देखें, टिल द लास्ट तक देखें, टिल द एंड तक देखें दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे ट्रेडिशनल यानी जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीके का, जो हर कम आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और आने जो एग्ज़ाम हो चुके हैं दोस्तों उसमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्ट ऑफ इंडिया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं फैक्ट ऑफ इंडिया, फैक्ट ऑफ इंडिया दोस्तों। तो इंडिया का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, क्या क्या, कौन सा स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, सभी पॉइंट को कवर करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर बात करें तो हाईएस्ट डैम, यानी दोस्तों अगर हम डैम की बात करें तो सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट डैम की बात करें इंडिया में, सबसे ऊंचा डैम कौन है दोस्तों। ऊंचा कौन वही होगा, अगर मान लीजिए कोई डैम ऊंचा बनाते हैं तो प्लेन लेवल पे तो ऊंचा बनाना बहुत मुश्किल होगा। और ऑलरेडी अगर कोई है डैम बना है जो ऑलरेडी ऊंचाई पे किसी पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में है, तो वो ऑलरेडी ऊंचा होगा। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट डैम कौन है दोस्तों, तो एक नाम है भाखड़ा नांगल डैम है, यानी भाखड़ा नांगल भी बोलते हैं दोस्तों, या भाखड़ा डैम बोलते हैं, भाखड़ा डैम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा भाखड़ा डैम बोलते हैं दोस्तों। ये कहाँ पे है, ये है सतलुज रिवर पे, अगर पूछा जाता है तो दोस्तों सतलुज रिवर पे है। रिवर कहाँ पे है सतलुज रिवर, ये है रिवर इन पंजाब दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पंजाब में है ये रिवर, सतलुज रिवर पंजाब में, सतलुज नदी पर बना हुआ बांध कौन है, भाखड़ा नांगल डैम है, यानी भाखड़ा डैम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सबसे हाईएस्ट डैम कौन है तो आप बताएंगे भाखड़ा डैम है, जो दोस्तों सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा डैम है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूसरा, देखिए हाईएस्ट वाटरफॉल दोस्तों, वाटरफॉल अगर सबसे ऊंचा झरना कौन है, वाटरफॉल कौन है दोस्तों, तो क्या है कुंचिकल दोस्तों, ध्यान दीजिए कुंचिकल है। कुंचिकल कहाँ पे है दोस्तों, कुंचिकल ये है आपको याद होना चाहिए कर्नाटक में, यानी कर्नाटक में सबसे ऊंचा अगर वाटरफॉल की बात करें दोस्तों, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कर्नाटक में कौन सा है दोस्तों, तो क्या नाम है उसका, कुंचिकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए कुंचिकल जो वाटरफॉल है दोस्तों, पंजाब सॉरी कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है इंडिया का दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का फैक्ट है, सभी ये फैक्ट सभी हैं इंडिया के फैक्ट हैं दोस्तों। इंडिया के फैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी और कंट्री के बारे में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के बारे में नहीं, हम ओनली इंडिया के फैक्ट के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल आपको क्या पता चला दोस्तों, कुंचिकल कर्नाटक में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, हाईएस्ट पोर्ट आपको बताना है कि तीसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पोर्ट कौन सा है दोस्तों, पोर्ट यानी बंदरगाह दोस्तों कौन सा है, तो आप बताएंगे मुंबई, ध्यान दीजिए मुंबई का कौन सा है, आप लोग दोस्तों आप पता होना चाहिए JLV दोस्तों, JN दोस्तों, JN जो पोर्ट है यानी जवाहरलाल नेहरू जो टर्मिनल पोर्ट है दोस्तों, मुंबई का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है दोस्तों, कौन क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू मुंबई में है, ध्यान दीजिए सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में। उसके बाद अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाईएस्ट एयरपोर्ट दोस्तों, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट ऊंचा यानी सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा दोस्तों। अब ऊंचाई के क्षेत्र पे हिली एरिया में तो ऑलरेडी ऊंचा होगा, तो दोस्तों लेह और लद्दाख हैं, ध्यान दीजिए लेह, लेह लद्दाख जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वहाँ पे लेह और लद्दाख जो क्षेत्र हैं दोस्तों,
लेह लद्दाख क्षेत्र में सबसे ऊंचा दोस्तों क्या है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ है इंडिया में दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है लेह और लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों लार्जेस्ट जू। अगर हम आपसे पूछा जाए किसी एग्जाम में कि लार्जेस्ट जू कौन है, कहाँ पे है, तो आप बताएंगे जियोलॉजिकल गार्डन इन इंडिया में कौन सा है, कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जियोलॉजिकल गार्डन है, जियोलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता में है। लार्जेस्ट जू, सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, कोलकाता में। लार्जेस्ट जू है दोस्तों, यानी क्या नाम है उसका, जियोलॉजिकल गार्डन, नाम उसका है जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता में दोस्तों। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोलकाता में जियोलॉजिकल गार्डन सबसे बड़ा गार्डन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है लार्जेस्ट डैम। अगर हम बात करें लार्जेस्ट डैम का मतलब बांध है। अगर आप इंडिया के सभी बांध के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो अभी तक हमारे चैनल पे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो हम अपलोड करते हैं आप तक सारी इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके। तो लार्जेस्ट डैम की बात करें दोस्तों, तो लार्जेस्ट डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लार्जेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम जो है सबसे बड़ा डैम है, कहाँ पे है आपको ये पता होना चाहिए। हीराकुंड, ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड कहाँ पे डैम, ये कहाँ पे डैम है, हीराकुंड डैम कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। हीराकुंड महानदी पे बना हुआ सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए, सबसे लार्जेस्ट डैम की बात कर रहे थे, लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा है, सबसे लंबा डैम कहाँ पे है दोस्तों, हीराकुंड डैम है, ओबर महानदी रिवर पे बना है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक नदी बहती है दोस्तों जिसका नाम है महानदी, वो रिवर कौन सी, महानदी रिवर पे कौन सा डैम बना है दोस्तों जिसका नाम है हीराकुंड डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, सबसे बड़ा डैम है, सबसे लंबा डैम है कौन सा है दोस्तों, सबसे ऊंचा डैम हमने बताया दोस्तों, सबसे ऊंचा कौन था, भाखड़ा नांगल डैम था, और सबसे लंबा डैम की बात करें दोस्तों तो हीराकुंड है, महानदी रिवर पे उड़ीसा में है। और लार्जेस्ट म्यूजियम दोस्तों, अभी हमने बताया था लार्जेस्ट जू के बारे में, तो लार्जेस्ट जू आपको जियोलॉजिकल गार्डन इन कोलकाता था, और लार्जेस्ट म्यूजियम भी कोलकाता में ही है, उसका नाम है दोस्तों नेशनल म्यूजियम कोलकाता। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो लार्जेस्ट म्यूजियम की अगर बात करेंगे आपसे तो लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ देखने को मिलेगा आपको दोस्तों, वर्ल्ड में नहीं इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया के फैक्टर हैं, इंडिया में अगर सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम अगर आपको देखना है तो कौन सा दोस्तों नेशनल है, नेशनल म्यूजियम है दोस्तों, कहाँ पर है, कोलकाता में। कोलकाता जाइए, नेशनल म्यूजियम आप देखिए, आपको इंडिया के किसी भी क्षेत्र में इससे बड़ा म्यूजियम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन, यानी जंगल कहाँ पे है, कौन सा स्टेट है दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी। एमपी में फॉरेस्ट कवर दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा है, यानी एमपी में जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर है वो सबसे 21% से भी ज़्यादा है, 21% से भी ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये है 22 पॉइंट, यानी अगर बात करें तो 23 के आसपास में है, ध्यान दीजिए 23 के आसपास में है। तो सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है दोस्तों, स्टेट है, कौन सा फॉरेस्ट स्टेट सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे जंगल सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे यानी वन है दोस्तों, मध्य प्रदेश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश यानी एमपी। अगर उसी तरह दूसरा है, आपने हावड़ा ब्रिज का नाम तो सुना होगा, तो पूछा गया है लार्जेस्ट कांटिलीवर स्पैन, दोस्तों कांटिलीवर क्या होता है, एक बीम होती है दोस्तों, कांटिलीवर बीम एक सिरे पे फिक्स होती है, दूसरे सिरे पे कुछ नहीं रहता, तो आप ध्यान दीजिए कांटिलीवर स्पैन यानी स्पैन ब्रिज कहाँ पे है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। हावड़ा ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा, हावड़ा ब्रिज जो है दोस्तों सबसे बड़ा, यानी ओवर हुबली रिवर, ये रिवर कहाँ पे है, हुबली रिवर यानी इसी दोस्तों गंगा रिवर को ही दोस्तों हुबली रिवर कहते हैं। ये जब पहुँच जाती है कहाँ पे, कोलकाता, ध्यान दीजिए, यानी वेस्ट बंगाल में जब पहुँच जाती है, वेस्ट बंगाल में पहुँचने के बाद इसका नाम हुगली रिवर हो जाता है, ट्रिब्यूटरी भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको, लेकिन हुगली रिवर गंगा नदी का ही बंगाल में जब प्रवेश करती है तब नाम होता है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा तो उसका इसके नाम हो जाते हैं दोस्तों जमुना, ध्यान दीजिएगा, जमुना बोलते हैं दोस्तों, या फिर पद्मा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो नदी का नाम हो जाता है पद्मा, ध्यान दीजिए, जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है तो पद्मा इसका नाम हो जाता है गंगा रिवर का। चलिए फिलहाल तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो तो भी कवर कर लेंगे जियोग्राफी में, तो ध्यान दीजिए लार्जेस्ट कैंटिलीवर बीम ब्रिज कौन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हावड़ा ब्रिज है लार्जेस्ट कोलकाता में, हावड़ा ब्रिज लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट भी है, देखिए क्या कह रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट,
दोस्तों इसमें पूछा गया है लार्जेस्ट स्टेट एरिया। दोस्तों एरिया के वाइज पे अगर आपको क्लासिफाई करना है इंडिया के, चार स्टेट एरिया वाइज आपको याद होने चाहिए। सबसे बड़ा एरिया, एरिया वाइज सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर आपको राजस्थान आता है, फर्स्ट नंबर पर राजस्थान आता है दोस्तों, राजस्थान है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें, पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर अगर बात करें दोस्तों तो एमपी आता है, और चौथे नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है, यूपी आता है चौथे नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी अगर एरिया के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करें यानी ऑर्डर में अरेंज करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए ये तो फैक्ट था। उसके बाद आपको क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन। दोस्तों अगर स्टेट में पॉपुलेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा आबादी दोस्तों कहाँ पे है आप सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी एक ही स्टेट में है, वो कौन सा स्टेट है आप सभी भली भांति जानते होंगे, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी है, आप सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। अगला पॉइंट है स्मॉलेस्ट स्टेट। दोस्तों सबसे ज़्यादा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा स्टेट, पहले देखिए आप, अब हमने कवर किया सबसे बड़ा स्टेट कौन है, राजस्थान था दोस्तों एरिया वाइज। सबसे छोटा एरिया वाइज स्टेट कौन है दोस्तों, गोवा है। एरिया वाइज अगर बात करें दोस्तों, एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन है, गोवा। अब पॉपुलेशन वाइज हमने देखा सबसे ज़्यादा स्टेट कौन था, सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश था, और सबसे छोटा कौन है दोस्तों, सबसे छोटा स्टेट भी है, क्या नाम है उसका दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम स्टेट जो है यानी इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है यानी अगर बात करें तो पॉपुलेशंस में सबसे कम आदमी, लोग, इंसान कहाँ रहते हैं दोस्तों, सिक्किम में रहते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, सारे पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एरिया वाइज हमने क्लासीफाई कर लिया, एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट क्या था दोस्तों, सबसे छोटा स्टेट अगर एरिया वाइज हमने क्लासीफाई किया, एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट क्या था, गोवा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे छोटा पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट है, सिक्किम है। उसके बाद देखिए तीसरा, अगला पॉइंट है दोस्तों, हाईएस्ट गेटवे। दोस्तों आपने नाम सुना होगा सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है, तो आपने नाम सुना होगा बुलंद दरवाज़ा। नाम भी देखिए, नाम भी बुलंद है यानी सबसे बुलंद का मतलब सबसे ऊँचा होता, ऊँचाई, ऊँची आवाज़ में बोलना, तो बुलंद दरवाज़ा तो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी आगरा। कहाँ, किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था दोस्तों, अकबर ने दोस्तों बनवाया था। कहाँ पे है ये बुलंद दरवाज़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे है, आगरा। तो आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना है, आगरा में किसके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा। ये इसका नाम है हाईएस्ट, सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहाँ पे दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा आगरा में। अगला पॉइंट है दोस्तों फतेहपुर सीकरी आगरा उसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में लगता है। दोस्तों अगला पॉइंट है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कौन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी खारे पानी की लेक क्या है, उस लेक का नाम है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चिल्का लेक। याद, ध्यान दीजिए, ये लेक कहाँ पे है, ये लेक है वे दोस्तों, ये लेक कहाँ पे है, सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर यानी सबसे नमक के पानी की लेक है दोस्तों। साल्ट वाटर का मतलब होता है नमक के जैसा पानी होगा, जैसे समुद्र का पानी होता है नमक के जैसे, साल्ट वाटर लेक कहाँ पे है, सबसे बड़ी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक है उड़ीसा में, चिल्का लेक उड़ीसा में है, सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा था मीठे पानी की दोस्तों, अगर मीठे पानी की बात करता तो आप बताते बुलर लेक। ध्यान दीजिएगा, बुलर लेक जो है दोस्तों सबसे बड़ी इंडिया की मीठे पानी की लेक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है दोस्तों, चिल्का लेक है उड़ीसा में। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जानते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, भारत रत्न जो है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया के लिए, यानी इनफैक्ट इंडियन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न होता है। लार्जेस्ट गुरुद्वारा आप सभी जानते होंगे, स्वर्ण मंदिर का नाम सुना ही होगा दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का नाम सुना होगा, स्वर्ण मंदिर ये लार्जेस्ट गुरुद्वारा है दोस्तों। सबसे बड़ा गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में गोल्डन टेंपल कहते हैं, हिंदी में स्वर्ण मंदिर कहते हैं, कहाँ पे है, पंजाब में है, कहीं पे किस भी बोलें पंजाब में है। तो लार्जेस्ट टेंपल, लार्जेस्ट गुरुद्वारा कहाँ पे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब में। इसी तरह अगर लार्जेस्ट चर्च की बात कर लें तो सबसे बड़ी चर्च कहाँ पे है इंडिया में, आप जानते हैं इंडिया का एक स्टेट है गोवा, जहाँ पे एशिया की, इनफैक्ट इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी चर्च है दोस्तों, सबसे बड़ी चर्च है,
सबसे बड़ी चर्च है दोस्तों इंडिया की, क्या पूरे एशिया की सबसे बड़ी अगर चर्च है कोई है तो वो क्या है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका, सेंट कैथेड्रॉल दोस्तों। सेंट कैथेड्रॉल कहाँ पे है, गोवा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया की सबसे बड़ी चर्च जो है एशिया की गोवा में है, सेंट कैथेड्रॉल। आप सभी को पूरा प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए, तो आई होप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें टिल द एंड तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमने कवर कर रखे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट आपको पता है, अगला पॉइंट आपको अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए लार्जेस्ट बीच यानी सबसे बड़ी बीच, यानी बीच आप जानते हैं जो समुद्री किनारा होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बीच कौन है इंडिया में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट आप वर्ल्ड की तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, इंडिया की सबसे बड़ी अगर बीच की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी बीच कौन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मरीना ट्रंच यानी मरीना बीच का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, मरीना बीच चेन्नई में है, ध्यान दीजिएगा। मरीना बीच दोस्तों कहाँ पे है, चेन्नई में है, ध्यान दीजिए चेन्नई में सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, बीच है इंडिया की। लार्जेस्ट हाई बैटल फील्ड दोस्तों, अगर लार्जेस्ट क्या, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा दोस्तों, सबसे ऊंचा बैटल फील्ड, ऊंचा युद्ध मैदान दोस्तों कौन है बताइए आप सभी को, युद्ध मैदान सबसे ज़्यादा युद्ध मैदान कौन सा है, कहाँ का है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊँचा युद्ध का क्षेत्र मैदान है, सियाचिन ग्लेशियर युद्ध क्षेत्र का सबसे ऊंचा मैदान है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कम्प्लीटली। चलिए उसके बाद आता है, देखिए हाईएस्ट बैटल फील्ड की बात करें तो आपको पता होगा हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सा था दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा बैटल फील्ड कौन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर। उसी तरह अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैंने बताया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा डेंस यानी दोस्तों क्या बताना है, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन घना, ध्यान दीजिए सबसे घना राज्य कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी लोग क्या है बिल्कुल पास रहते हैं, ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा घना पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला राज्य कौन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है, बिहार है, बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी तो उत्तर प्रदेश में है बट लोग बिहार के लोग सबसे ज़्यादा घने आबादी यानी कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन है बेटा, नदी, ध्यान दीजिएगा बेटा आप सभी लोग, नदी का ब्रिज है, नदी रिवर मतलब नदी होता है, ध्यान दीजिए सबसे बड़े सबसे ज़्यादा नदी पे सबसे बड़ा बांध यानी रिवर जो ब्रिज बनाया गया है क्या नाम है, उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, पटना में है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी सेतु गंगा रिवर पर बना है, ध्यान दीजिएगा कौन सी रिवर पर बना है दोस्तों, गंगा रिवर पर बना है, क्या नाम है, महात्मा गांधी सेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी सेतु, सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है दोस्तों, सबसे बड़ा रिवर पुल है ब्रिज है, सबसे लार्जेस्ट रिवर ब्रिज है दोस्तों, क्या नाम, महात्मा गांधी सेतु, कहाँ पे है, बिहार पटना, ध्यान दीजिएगा गंगा रिवर पर बना है। लॉन्गेस्ट रिवर अगर बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी नदी कौन है, आप सभी को पता होना चाहिए, गंगा भारत की सबसे बड़ी पवित्र नदी है। उसके बाद लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर बात करें तो सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो यमुना है, यमुना रिवर जो है दोस्तों गंगा की सहायक रिवर यानी किसी भी सहायक रिवर के तबाकतौर नाम पे यमुना सबसे बड़ी इंडिया की सहायक रिवर है। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट आपसे कवर किया गया है इसमें कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दोस्तों मैंने बताया बेटा आप सभी को कि अगर इंडिया की सबसे ओनली रिवर लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो कौन सी रिवर थी, गंगा रिवर थी, कितनी लंबी है दोस्तों इसके बारे में पता चलना चाहिए, गंगा रिवर कितनी है 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर तक गंगा रिवर फैली हुई है। आप जानते हैं गंगा रिवर कहाँ, हिमालय के यानी गंगोत्री उत्तराखंड यूके के गंगोत्री से निकलकर कहाँ से दोस्तों, गंगोत्री से निकलकर कहाँ तक बहते हुए जाती है, बिहार यानी वेस्ट बंगाल से ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल यानी सी में, तो ध्यान दीजिए बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे इलाहाबाद पे एक रिवर आके मिलती है दोस्तों जिसका नाम है यमुना रिवर है दोस्तों, यमुना रिवर कहाँ पे है मिलती है, ये इलाहाबाद जहाँ पे प्रयागराज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी को प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज इसी को कहते हैं, यमुना रिवर को ही प्रयागराज कहते हैं, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला बात करें अगर दोस्तों साउथ लार्जेस्ट रिवर आप साउथ इंडिया की बात करें तो ध्यान दीजिएगा साउथ इंडिया की अगर बात करें दोस्तों साउथ में सबसे बड़ी रिवर जो है वो है गोदावरी रिवर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन है, गोदावरी रिवर, इसी रिवर को कुछ और भी नाम से जाना जाता है, कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं साउथ इंडियन रिवर यानी साउथ इंडियन
रिवर, साउथ इंडियन रिवर भी बोलते हैं, या फिर इसे प्रायद्वीपीय हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ, नदी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय नदी जो है ये कौन सी नदी है, गोदावरी रिवर। ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी रिवर, इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो नदियाँ जैसे हिमालयन होती हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र मैदानी भाग से निकलती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के रिवर के बारे में था। चलिए अगला रिवर, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचा हुआ दोस्तों आप सभी का। तो चलिए देखते हैं, अगला है, अगला पॉइंट जो था हमारा रिवर से रिलेटेड ही है, रिवर से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें, हमने रिवर के बारे में ऑलरेडी आप सभी से डिस्कशन कर ही लिया, रिवर कौन सी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है, सबसे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन है दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, 2500 किलोमीटर तक फैली है, कहाँ से कहाँ तक फैली है। उसके बाद आता है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, यानी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन थी, हमने वो भी कवर कर दिया। इंडिया की कौन थी दोस्तों, यमुना थी, यमुना क्या थी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर थी इंडिया की। उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट साउथ इंडिया की रिवर हमने बात किया, गोदावरी रिवर साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लॉन्गेस्ट टर्नल, दोस्तों अगर बात करें तो सबसे लंबा गुफा, यानी टर्नल मतलब क्या है दोस्तों, सुरंग, ध्यान दीजिए, सबसे लंबी सुरंग कौन है दोस्तों, इंडिया की सबसे लंबी सुरंग क्या नाम है, जवाहर टर्नल, यानी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सबसे बड़ा पोर्ट क्या था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था। और बात कर रहे हैं सबसे लंबी टनल कहाँ है, यानी सुरंग कौन सी है दोस्तों, तो वो भी है जवाहर सुरंग का नाम है, जवाहर टनल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इस फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, यानी सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है, तो दोस्तों NH, बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, NH 7 जो है दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है, NH 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH 7 है। अब उसी तरह दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट माउंटेन, दोस्तों ये इंडिया के फैक्ट कंसिडर किए गए हैं, तो इसमें इंडिया की ही बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो था सबसे बड़ा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में सबसे ऊंचा माउंटेन है। अब बट इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में क्या है दोस्तों, गार्डिन ऑस्टिन दोस्तों केटू नाम से एक चोटी है, गार्डिन ऑस्टिन केटू नाम से एक चोटी है, केटू चोटी या फिर गार्डिन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, तो उस वो सबसे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वर्ल्ड की दूसरे नंबर पे है, वर्ल्ड में बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे कौन है आप जानते हैं, माउंट वेल्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है सबसे एवरेस्ट है, सबसे कहाँ पर है, नेपाल में है, नेपाल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। गार्डिन ऑस्टिन केटू कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है दोस्तों, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया फैक्ट आपको, आप सभी को ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला है लॉन्गेस्ट, आपको लॉन्गेस्ट माउंटेन आपको पता चल गया, लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन है दोस्तों, माउंटेन चोटी कौन है इंडिया की, गार्डिन ऑस्टिन केटू। उसके बाद है लार्जेस्ट रोड, लार्जेस्ट हाईवे, नेशनल हाईवे आपको पता चल गया NH 7। लार्जेस्ट रोड की बात करें, सबसे चौड़ा सबसे बड़ा रोड कौन है दोस्तों, तो एक नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल से निकलता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये पाकिस्तान साइड दिल्ली तक जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने बनवाया था इसको, बनवाने वाले शेर शाह सूरी दोस्तों, सूरी ने इस ग्रैंड ट्रंक रोड को कंप्लीट करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड आपसे किसने बनवाया था आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड कंप्लीट करवाया है। और लार्जेस्ट मॉस्क्यू दोस्तों, मस्जिद कहाँ पर है, लार्जेस्ट मस्जिद कौन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जामा मस्जिद दिल्ली में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लार्जेस्ट अगर बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रोड कौन था, ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे बड़ी मस्जिद कौन है दोस्तों, तो जामा मस्जिद दिल्ली में। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट अगर बात करें, सबसे ज़्यादा रेलवे रूट कौन सा सबसे बड़ा, तो जम्मू एंड दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, यानी रेलवे रूट कौन सा सबसे बड़ा है, तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रूट है।
यहीं पे लॉन्गेस्ट डेल्टा की बात करें तो आप सभी को पता है सुंदरबन का डेल्टा वेस्ट बंगाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। डेल्टा को त्रिभुज से दिखाते हैं दोस्तों, क्या नाम है सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरबन का डेल्टा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की तो बात ही छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। लार्जेस्ट केव टेम्पल दोस्तों, सबसे बड़ा गुफा वाला मंदिर कौन है दोस्तों? तो कैलाश टेम्पल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एलोरा इन कैलाश टेम्पल, एलोरा यानी एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों उसमें कैलाश टेम्पल जो है सबसे बड़ा गुफा का टेम्पल है, यानी महाराष्ट्र में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट रेनफॉल देश की ध्यान दीजिएगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है, कौन से प्लेस पे होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उस प्लेस का नाम है चेरापूंजी में होता है दोस्त, ध्यान दीजिए चेरापूंजी में तो होता है, और उसे प्लेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? माइसोराम बोलते हैं, माइसोराम यानी मेघालय में है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश पूरे यानी बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है पूरे वर्ल्ड में, ध्यान दीजिएगा पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मानिसराम यानी कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में होती है, मेघालय चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है दोस्तों? मेघालय में होती है, यानी वेस्ट बंगाल में, सॉरी मेघालय में होती है, चेरापूंजी प्लेस पर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों कहाँ पर है? गोरखपुर में है, यानी बात करें तो गोरखपुर में दोस्तों, गोरखपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। रेलवे प्लेटफार्म आप गोरखपुर नहीं गए हैं तो गोरखपुर कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। आप गोरखपुर यानी जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ पे आप जाइए, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आपको पूरे एशिया की, इनफैक्ट बात करें तो पूरे एशिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेट, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म आपको गोरखपुर में दिखाई पड़ेगा। लार्जेस्ट बैंक अगर बात करें दोस्तों, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? बैंक ऑफ इंडिया कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI दोस्तों, इंडिया की यानी बैंक के क्षेत्र में देखें तो SBI इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दोस्तों, सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन है? जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो गैलेंट्री अवार्ड होता है जो सेना के लोगों को दिया जाता है, सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र, ध्यान दीजिए परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दोस्तों कौन है? हाईएस्ट सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड कौन है दोस्तों? अगर बात करें अवार्ड का नाम लें तो परमवीर चक्र दोस्तों, परमवीर चक्र सबसे ज़्यादा सबसे ऊँचा गैलेंट्री अवार्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर थे तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। परमवीर चक्र जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों लार्जेस्ट दोस्तों क्या है? प्लेनेटेरियम दोस्तों, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम क्षेत्र कौन सा है? तो बिरला प्लेनेटेरियम है कोलकाता में, बिरला का आदित्य बिरला का नाम तो सुना होगा दोस्तों, आदित्य बिरला का जो है लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम कौन है दोस्तों? आदित्य बिरला कोलकाता में। लार्जेस्ट कैटल फेयर, अगर सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पशु मेला की बात करें, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोनपुर में लगता है, सोनपुर बिहार, ध्यान दीजिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सोनपुर बिहार में, ध्यान दीजिए सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा पूरे इंडिया का, इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा जानवर का मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में। उसके बाद है लार्जेस्ट डोम, सबसे बड़ा यानी गुम्बद कहाँ पे है दोस्तों? गुम्बद की बात करें, गुम्बद सबसे बड़ा गुम्बद कहाँ पे है? गोल गुम्बद बीजापुर, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़े गुम्बद की बात करें दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े गुम्बद की बात करें तो सबसे बड़ा गुम्बद कौन है? गुम्बद कहाँ पे है? गोल गुम्बद है, गोल गुम्बद, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गुम्बद की अगर बात करें तो गोल गुम्बद है बीजापुर यानी कर्नाटक में, ध्यान दीजिएगा बीजापुर यानी कर्नाटक की बीजापुर में सबसे बड़ी गोल गुम्बद है। लार्जेस्ट डोम यानी सबसे बड़ी गुम्बद है दोस्तों, गुम्बद जो गुम्बद बनी रहती है ना इसे डोम की तरह ऐसे आकार में बनी रहती है, तो ऐसे आकार में जो बनी रहती है सबसे बड़े अगर बात करें तो डोम कहाँ पे है दोस्तों? सबसे बड़ा डोम है यानी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ध्यान दीजिए कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक का में है, कहाँ क्या नाम है? गोल गुम्बद नाम है उसका, क्या नाम ही? गोल गुम्बद है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे बड़ी अगर डोम की बात करें, सबसे बड़े गुम्बद की बात करें तो कर्नाटक में गोल गुम्बद डोम है दोस्तों। एक पॉइंट हमने सबसे पहले ही कवर कर रखा था, आपसे बता रखा था कि सबसे हमने जब पिछले पॉइंट को कवर कर रहे थे दोस्तों कि सबसे मीठे पानी यानी अगर बात हमने पढ़ा था साल्ट वाटर लेक कहाँ पर है? साल्ट वाटर
साल्ट वाटर लेक की हमने बात किया था, तो कहाँ पे थी दोस्तों? चिल्का लेक थी, ध्यान दीजिएगा, चिल्का लेक थी उड़ीसा में, उड़ीसा में। उसी समय मैंने एक पॉइंट और कवर किया था कि स्वीट वाटर, ध्यान दीजिएगा, स्वीट वाटर लेक दोस्तों, मीठे पानी की लेक, यानी मीठे पानी की लेक कहाँ पे थी? मैंने बताया था आपको कहाँ पे थी मीठे पानी की लेक, वुलर लेक है दोस्तों, वुलर लेक है। वुलर लेक कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान दीजिए, कश्मीर में है, कश्मीर में है। कश्मीर में कहाँ पे है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में कौन सी लेक है? तो वुलर लेक जो का नाम है, वुलर लेक सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है। आई होप दोस्तों सभी को ये वीडियो के पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, प्लीज़ वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।